फिनटेक के जो लोग हैं उनको लगता है कि हम लोग नए नए अभी सीख रहे हैं लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह से उनको जरा ज्यादा ही टाइट कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लारीफाई करना चाहता हूं आपके माध्यम जी क्वेश्चन कई कै बार आता है पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीरियस फिनटेक दे अंडरस्टैंड आरबीआई अप्रोच वेरी वेल आप मतलब इंडिपेंडेंटली आप फिनटेक सेक्टर अभी एक एंटरप्रेन्योर ने आपके आरबीआई के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं कि फिनटेक वालों को घबराना नहीं चाहिए आप ठीक कर रहा है हाँ मैंने देखा वो आर्टिकल भी मैंने देखा और कई सारे लोग कह रहे हैं ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक आर्टिकल या दो आर्टिकल एक तो है जितने सीरियस प्लेयर्स है और सीरियस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर में कुछ नॉन सीरियस प्लेयर है वो इेस्पॉन्सिबल है मेरा कहने का उद्देश्य मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है लर्निंग का इशू

and the purpose of the fintech department is to support is to extend regulatory support to the fintech players mm. every month on a particular yearmark day every month a one day is earmarked when any fintech player, any fintech company or fintech innovator or anyone in from that area, he can just have a walk in meeting with our fintech department to have an understanding and to seek clarification or to explain his problem and his difficulty. Other than that, we have been holding regular individual meetings and regular uh, uh, group meetings also with the fintech association. पिछले साल मैंने हम लोगों ने अनाउंस किया था एक फिनटेक एस आर ओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो विच विल एक्ट एज ए इंटरमीडिएट एज एन इंटरफेस बिटवीन आर बी आई एंड द फिनटेक प्लेयर्स बिकॉज एन इंटरमीडिएट या सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन विल अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बेटर ही कैन वॉइस देयर डिफिकल्टीज टू अस एंड वी कैन एंगेज सो द फिनटेक एस आर ओ वी हैड अनाउंसड एंड इट इज अंडर प्रोसेस हो एक्सपेक्ट टू मेक गुड प्रोग्रेस अंडर दैट वेरी शॉर्टली एंड अदर दैन दैट कॉन्स्टेंट एनगेजमेंट लेकिन आप फिनटेक में जब आप मतलब यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड वेन यू आर कमिंग इन टू अ रेगुलेटेड स्पेस एक तो है आप टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इन द रेगुलेटेड बिजनेस रेगुलेटेड अरेना दैट इज डिफरेंट बट एनी फिनटेक प्लेयर वेन ई कम्स इन टू अ रेगुलेटेड स्पेस

उनको हम बहुत एनकरेजमेंट दे रहे हैं बहुत सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन आप अगर एक रेगुलेटेड स्पेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको एक रेगुलेटरी गार्ड रेल गार्ड रेल जिसको कहते हैं रेगुलेटरी पैरामीटर से उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा और एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने और भी कहीं कहा था कि आप मतलब नए नए गाड़ी लाए और रोड में अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं हाँ। आपको ट्रैफिक रूल्स तो मानना ही पड़ेगा नहीं तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट का आपका गाड़ी का नुकसान कितना होगा मेरे को पता नहीं लेकिन रोड में जो पंद्रह बीस लोग जा रहे होंगे उनको रिस्क मिलेगा चोट आ जाएगा तो इसीलिए वी हैव टू यू नो दैट इज द बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग बट वी आर ऑफरिंग ऑल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू फिनटेक